तो यार मैं इतना भाग क्यों रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी बारिश नहीं दिख रही है, तो मैं जल्दी जल्दी सोच रहा हूँ कि पैचेस लगा दूँ, और ये जो मैंने लाके रखा है वो हम आज सेट कर देंगे। सो हे गाइस, दिस इज़ राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो यार बादल तो बहुत है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन हवा भी है, इसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद हमारा जो हमारी जो बारिश है वो नहीं आएगी। देखते हैं यार क्या होता है, लेकिन मैं अभी इसको पैच लगाना चालू कर दूंगा, और जितना हो सके मैं इसको पैच कर दूंगा, क्योंकि हमारा सरफेस भी अभी ड्राई दिख रहा है। और यार कितने दिन रखेंगे इसको, ज़्यादा दिन तो नहीं रख सकते, क्योंकि ये नीचे वाला जो लाइनर है वो भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि हल्की हल्की यूवी रेजेस होते हैं वो इसके ऊपर पड़ते हैं, तो इसकी हालत जो है वो ख़राब हो सकती है। तो मुझे कुछ ना कुछ कपड़ा या कोई स्पंज लेना पड़ेगा, ताकि जो होल्स है इसके अंदर का पानी में पोंछ के इसको लगा दूँ। तो चलिए यार ज़्यादा देर नहीं करते, इसको काम चालू कर लेते हैं। तो यार मुझे एक दिक्कत आ रही है कि इसमें होल्स जो है अभी यहाँ कहाँ था वो पता नहीं चल रहा है। तो यार रहा तो नहीं दिख रहा है, यस ये रहा, ये देखिए कुछ इस तरीके से मैं इसको ढूंढूंगा। ये देखिए यहाँ पे होल है, तो यहाँ दबाने के बाद जो है वो पानी निकलता है, तो कुछ इस तरीके से मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे होल है, तो मैं इसको भरना चालू कर देता हूँ यार, नहीं तो यार बारिश स्टार्ट हो गई शायद। हाँ बताओ यार, एक दिन के लिए थोड़ा थोड़ा बताओ, आधे घंटे के लिए भी नहीं आएगी तो भी यार हमारा सोल्यूशन जो है वो सूखने लगेगा। लेकिन यार बारिश थोड़े थोड़े हल्के हल्के चीटे अभी मुझ पे पड़ रहे हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बारिश आ गई, तो इसके इरादे ही नहीं है कि मैं टैंक अभी फ़िलहाल सेट करूं। हाँ, अच्छा हुआ ये मैंने देखिए सारा निकाल के रखा है, लेकिन मिक्स नहीं किया, मैं होल्स ही ढूंढ रहा था कहाँ पे है। और आप देख सकते हो कि ये भी कितना गीला गीला हो चुका है, बस इतने होल से ये कितना गीला हो चुका है। तो खैर थोड़ी देर में राह दिखूंगा, उसके बाद यार सोचेंगे कि इसको करना है या नहीं करना है। यार कल के वीडियो में मैंने जो खिलाया था हमारे बर्ड्स को, उससे अच्छा तो मुझे ये लग रहा है, तो इसको बहुत अच्छे से खाएंगे। कल जो मैंने खिलाया था वो ऐसे कुछ कच्चा कच्चा था, लेकिन ये देखिए यहाँ पे फूल प्रॉपर पके हुए हैं, तो यार मैं इनको यही खिला के देखता हूँ कि ये खाते हैं या नहीं। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये देखिए कितना प्यारा दिख रहा है, इसमें कलर भी देखिए, और ये प्रॉपर सीड्स कन्वर्ट हो गई है बहुत ज़्यादा, ये देखिए यहाँ तो कितनी सारी है। तो इसको ही खिला के देखेंगे कि हमारे बर्ड्स इसको खाते हैं या नहीं। गाइज मैं वेट कर रहा हूँ, हवा तो बहुत छुटी है, तो इससे एक हेल्प हो सकती है कि बादल जो है वो आगे सरकते हैं, तो अगर ज़्यादा हवा होगी तो बादल आगे आगे सरकने लगेंगे और बारिश जो है वो आगे चली जाएगी, जितने भी बादल हैं भरे हुए वो। यार ऐसे ना हो कि पीछे से भरे हुए बादल आए और यहाँ पे बरसने लगे। तो फिलहाल यार छोटे छोटे छींटे पड़ रहे थे, लेकिन अभी नहीं आ रही है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है गाइज मैं क्या करूँ। तो मैं एक करता हूँ काम, मैं इसको निकाल ही लेता हूँ और काम ही चालू कर देता हूँ। ये कुछ इतना महंगा नहीं है, लेकिन बस मेरा टाइम वेस्ट होगा, वो ज़्यादा महंगा है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर बारिश नहीं आती है तो ये सेट हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको अभी धीरे धीरे कर ही लेता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। तो यार वापस हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये देखिए जो भी होल्स थे वो ठीक से क्लीन कर लिए हैं। अब मुझे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे जहाँ पे होल्स हैं वहाँ पे लगाना है, तो मैंने सारे होल्स अच्छे से क्लीन कर लिए हैं। अब बारिश आएगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और थैंक यू सो मच, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिया है कि गोरिल्ला टेप लगाओ और सीमेंट लगाओ, सीमेंट डालो, तो बहुत सारे कमेंट्स थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाइस गोरिल्ला टेप जो है वो ज़्यादा टिकता नहीं है, मैंने उसके रिव्यूज़ देखे हैं, तो उसको बार बार ये करना पड़ेगा, इसीलिए फिर मैंने ये सोल्यूशन निकाला है। और सीमेंट का भी मैंने सोचा था, गोरिल्ला टेप का भी मैंने सोचा था, लेकिन उसी कारण मैंने अभी दूसरा टेप गोरिल्ला की जगह पे मंगवाया था, जो कि दावा कर रहे थे कि बहुत स्ट्रांग है, कुछ भी नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ को ब्लॉक कर देता है, पानी नहीं निकलने देता है। तो यार ऐसे कुछ नहीं है, ये सब बकवास है, तो इसीलिए मैंने मेरा मन ही उड़ गया उसके ऊपर से, तो इसीलिए मैं नहीं यूज़ कर रहा। लेकिन थैंक यू आपके सजेशन के लिए। दूसरी कमेंट थी कि आप सीमेंट यूज़ करो, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं सीमेंट यूज़ करूं, ताकि इसमें जब भी मैं उतरूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, सीमेंट जब कड़क होगा तो इसके अंदर उतरने के बाद इसमें ज़्यादा पंक्चर आने लगेंगे, वाटरप्रूफिंग तो करेंगे ही, लेकिन एक दिक्कत है, यहाँ से देखिए यहाँ से गैप है,
और आपको पता ही है कि यहाँ पे जो है वो उसका लाइनर है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये लाइनर है। तो यार पानी जो है वो हमारे बैकग्राउंड के पीछे से जाएगा और उसके नीचे से जो वाटरप्रूफिंग करेंगे उसके नीचे आएगा और वो लीकेज जो है वो बना रहेगा। इसीलिए मैंने वो भी जो चीज़ है वो ड्रॉप कर दी। मैं भी सोच रहा था कि इसके अंदर वाटरप्रूफिंग करके अच्छे से डायरेक्ट सीमेंट का ही बनाए, लेकिन ये दिक्कत मुझे आएगी 100%, क्योंकि इसके पीछे से पानी जाएगा, इसके पीछे से और ऐसे निकलेगा, क्योंकि इसमें वाटरप्रूफिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार ऑलरेडी मैंने इसमें सीमेंट लगाया और इसमें बहुत सारे क्रैक्स हैं और बहुत सारे होल्स हैं जिसके अंदर से पानी जाने ही वाला है गाइज। वो पानी है तो वो जाएगा, इसीलिए फिर मैंने वो भी चीज़ ड्रॉप कर दी और इसके ऊपर ही सोच रहा हूँ। या फिर मैं दूसरा ऑप्शन अभी इसके बाद का सोच रहा हूँ कि लाइनर ही चेंज कर दे। लाइनर कैसे चेंज करना है ये तो तोड़ना ही पड़ेगा। इसके अंदर से नीचे बिछा देंगे एक अच्छा सा लाइनर, और जो पॉन्ड लाइनर आता है वो बिछा देंगे और इसको उखाड़ के, थोड़ा थोड़ा उखाड़ के जो पॉन्ड लाइनर है वो यहाँ से ऊपर ऐसे टक करेंगे ताकि जो प्रॉपर होल्ड कर सके। और ये थोड़ा दिखने में भी अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन क्या करें, इतना बड़ा पॉन्ड जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो खैर अभी हम एमसील से ही काम चलाएंगे और देखेंगे कि ये कितना हद तक काम करता है, लेकिन ये जो बारिश है वो मुझे काम ही नहीं करने दे रही है। लेकिन थैंक यू सो मच, उससे मुझे बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं आपके कमेंट के ऊपर से। तो अगर मेरा ये जो चीज़ है वो काम नहीं करेगा तो आपके आइडियाज़ हम कुछ ना कुछ मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करेंगे। यार आज मुझे देखने के लिए कुछ नए ऑडियंस आए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहे हमारे नए ऑडियंस, सारे के सारे यहाँ पे मूव करके देख रहे हैं मुझे मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये आज के हमारे नए ऑडियंस है, आज तो हमारा कौवा आया नहीं, लेकिन ये वाले ऑडियंस भर भर के आई है। ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ऑलमोस्ट मुझे और थोड़े होल्स मिले हैं तो मैंने सब क्लीन कर लिए हैं, लेकिन बारिश बहुत दिमाग खा रही है। जब मैं ये कागज़ खोलने के लिए ट्राई करता हूँ तो ये बारिश आ जाती है, थोड़ी 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 आ जाती है और फिर मैं रुक जाता हूँ, वापस सोचता हूँ कि यार करूँ या ना करूँ। तो चलिए यार मैं कर ही लेता हूँ अभी। गाइस ये बारिश ने मेरा मजाक बना के रखा है, अभी अभी आप देख सकते हो। ये देखिए इतने बड़े बड़े जो पानी है, चीटे हैं, वो आ रही थी, बारिश आने लगी, मैंने इसको फोड़ के रखा था। ये देखिए, और जैसे मैंने पॉन्ड के बाहर पैर रखा बारिश वापस रुक गई, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी मर्जी है मैं इसको क्लीन मतलब आज काम करूं। तो खैर यार मेरा मूड है ना वो चला गया है अभी इसको ठीक करने का, तो मैं बाद में करता हूँ। और अभी बारिश बढ़ने भी लगी है तो मैं अभी यहाँ से भागता हूँ।